गुड मॉर्निंग हिमाचल, नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आइए देखते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। खाई में लुढ़की कार, एक की मौत, दो घायल, पीजीआई रेफर। आग ने राख किया दो भाइयों का मकान, 7 लाख का नुकसान। सड़क दुर्घटना में एक कार सवार की मौत, दो घायल। शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में 5वां हिमपात, चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर। धुंध ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, 10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बर्फ से लकदक हुई ऊंची चोटियां, वाहनों की आवाजाही बंद। और अब समाचार विस्तार से। जोगिंद्रनगर सरकाघाट मार्ग पर मकरीडी के पास कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कार में सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। तीनों व्यक्ति संदीप, रितेश तथा सुखप्रीत पंजाब के मोहाली के गांव नाडा के रहने वाले थे। वे जोगिंद्रनगर के चैलंग आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कार करीब रात 1 बजे मकरीडी के नागचला के पास पहुंची, तो ये गाड़ी खाई में लुढ़क गई, जिससे रितेश की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल संदीप व सुप्रीत को जोगिंद्रनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पद्धर उपमंडल के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी में आग लगने से 8 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना बुधवार रात 11:30 बजे के आसपास हुई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को देखा, तो सभी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस भयानक आग के आगे सभी बेबस थे। हालांकि इस आगजनी की घटना से सिर्फ परिवारों के मात्र कपड़े ही बचे हैं। घर पर सारा सामान आदि जलकर राख हो गया है। इससे लगभग 6 से 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। वहीं पंचायत समिति द्रंग की अध्यक्ष सहित आदि पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने की गुहार लगाई है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें, या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर। कुमार सैन थाना के अंतर्गत आज सैंज में एक कार दुर्घटना में एक की मौत हो गई, वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए CHC कुमार सैन ले जाया गया। आज सुबह जब NH 305 पर सैंज लुहरी सड़क पर सैंज नाला में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इसमें सवार एक व्यक्ति जोगिंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह गांव शगारचा निचार जिला किन्नौर की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 अन्य व्यक्ति जितेंद्र कुमार व ईश्वर सिंह को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार हेतु CHC कुमार सेन ले जाया गया। मृतक का पोस्टमार्टम करवाने हेतु CHC कुमार सेन ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरमौर व शिमला जिले की करीब 12,000 फुट ऊंची चोटी व प्रदेश के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में बुधवार को इस मौसम का 5वां हिमपात हुआ। आज सुबह चोटियां सफेद रंग से सज गईं। बता दें कि चूड़धार की चोटी में बुधवार सुबह से बादलों ने डेरा डाले रखा व अचानक रात को मौसम ने करवट बदली व हिमपात हुआ। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की बूंद तक नहीं टपकी। हिमपात से नोहराधार, हरिपुरधार आदि क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। चूड़धार में बर्फ गिरने के चलते चूड़धार का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि नोहराधार, हरिपुरधार का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी से कंपकंपी छूट रही है। आज शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। इसके चलते दिन भर हाथ पैर सुन रहे,
सुबह को पांवटा शहर में धुंध छाई रही, इसके कारण सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे। वहीं आज सुबह तापमान 10 डिग्री रहा। जनवरी माह जैसे जैसे बीत रहा है वैसे ही हार्ड कंपाने वाली सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। इसका एक कारण पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होना है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह तक ठंड के कम होने की संभावना बेहद कम है। कोहरे का भी फिलहाल इसी प्रकार प्रकोप बरकरार रहने की संभावना है। शहर में पड़ रहे कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। जिला कुल्लू में मौसम ने करवट बदल दी है। बुधवार रात से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू की ऊंची चोटियों के साथ साथ कई जगह निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तक मनाली की बात करें तो बर्फ साथ लगते गांव में हल्की गिरी है। हिडिंबा मंदिर के पास बर्फ के फाहे गिरे, जबकि मनाली के साथ लगती पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। रोहतांग में काफी बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोल बर्फ से लकदक हो गए हैं। बर्फबारी को देखते हुए लाहौल में आपात स्थिति को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं मणिकर्ण में चोटियों बर्फ से लकदक हो गई हैं। कई जगह वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।